न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 40 फीट ऊंचे स्वागत द्वार पर चढ़ा युवक, सुद्धोवाला जेल से उमेश शर्मा को अपने साथ ले गई रांची पुलिस। शरद पवार का संदेश लेकर लालू से मिले पीपी त्रिपाठी। अब खबरें विस्तार से। जांजगीर चांपा, शोले फिल्म का वो सीन तो आपको याद ही होगा जहां वीरू पानी की टंकी पर चढ़कर लंबे लंबे डायलॉग्स मारता है। यह भी आज कुछ ऐसा ही हुआ जहां एक युवक स्वागत द्वार के ऊपर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस युवक को नीचे उतारने की कोशिश में जुटी है। स्टिंग ऑपरेशन व ब्लैकमेलिंग मामले में फंसे निजी चैनल के CEO उमेश जयकुमार शर्मा को कल सशर्त जमानत मिल गई है। सेशन न्यायालय के ADG प्रथम राजीव कुमार खुलबे की अदालत द्वारा जमानत मंजूरी के बाद भी उमेश कुमार रिहा नहीं हुए हैं। रांची में दर्ज राजद्रोह के मुकदमे की वजह से झारखंड पुलिस उमेश को सुद्धोवाला जेल से रांची लेकर गई है। रांची चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद से NCP के महासचिव PP त्रिपाठी मिले। त्रिपाठी ने कहा कि लालू यादव की तबीयत खराब है, इसलिए उनका हाल जानने आए थे। मैं PP त्रिपाठी हूँ, जनरल सेक्रेटरी और चीफ स्पोक्समैन हूँ नेशनल कांग्रेस पार्टी के शरद पवार और पूर्व संसद सदस्य अजय भाई। जो हमने शरद पवार साहब का संदेश लालू जी को दिया कि ये प्रमुख तथ्य है कि बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर तेजस्वी यादव हैं जो विपक्ष के नेता हैं, जो हिंदुस्तान के ही नहीं शायद इस समय दुनिया के सबसे नौजवान राजनेता हैं। मेरे ख्याल से तो कहीं पर कोई विपक्ष का नेता 29 बरस का नहीं, ये सिर्फ बिहार में है और तेजस्वी यादव, और ये हम सबके लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए IG MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।